बिहार में एनडीए का गठबंधन टूटने पर बीजेपी के नेता बेहद आहत हैं। कल तक जिनकी शराब से मौत और अपराध पर मुंह नहीं खुल रहा था, आज वो जंगल राज की दुहाई देने लगे हैं। कटिहार से विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नई सरकार पर इसी तरह के कई आरोप लगाए हैं। समाहरणालय के सामने में धरना प्रदर्शन में बैठे बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। नगर विकास विभाग अपने पास रखने के बावजूद कटिहार को जल जमाव से निजात दिलाने में नाकाम रहने वाले नेता तारकिशोर प्रसाद को किस बात का मलाल है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जो शराब पियेंगे वो मरवे करेंगे, इस तरह का नहीं। ये दुखद घटना की जानकारी मिली है, हमारे राज्य के गरीब परिवार के 5 लोगों का निधन हुआ है जहरीली शराब पीने से, ये काफ़ी दुखद है। और शराबबंदी एक सामाजिक अभियान के रूप में भी देखने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनहीन होकर गरीबों के संबंध में जो टिप्पणी की है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की चीज़ों को रोकना पड़ेगा, आम लोगों तक इस बात को बताना पड़ेगा कि शराब पीना क्यों गलत है, उन्हें समझाने की आवश्यकता एक सामाजिक अभियान के तौर पर लेने की ज़रूरत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब से एनडीए से अलग हुए हैं, इनकी संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। अब ये बिहार के विकास और बिहार के आम लोगों की चिंता इन्हें नहीं है, इनकी चिंता दिल्ली कैसे पहुंचे यह है। और यह सरकार अब भगवान भरोसे रह गई है। एक बड़ा सवाल है, शराबबंदी जो है संपूर्ण तरीके से लागू नहीं। देखिए, शराबबंदी को लागू करते भी हम इसे एक सामाजिक अभियान के रूप में लेने की आवश्यकता है। लोगों के बीच जाकर बताना होगा कि शराब पीने से क्या नुकसान है, आप कैसे शराबबंदी के पक्ष में हों। लेकिन इस प्रकार की संवेदनहीनता, गरीब लोग मर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोग शराब जहरीली शराब पियेंगे तो मरेंगे, उसे रोकना होगा। जहरीली शराब आखिर क्यों आ रही है, जहरीली शराबें क्यों बिक रही है, आखिर प्रशासन क्यों नहीं रोक रही है। सर, तेजस्वी तो ये भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी को वापस लेंगे। नहीं देखिए, तेजस्वी जी तो 2005 के पूर्व की स्थिति को वापस लाने वाले हैं, उस जंगल राज को, जहाँ बिहार बिहार नहीं रह जाएगा, बिहार जंगल राज रह जाएगा।